So in today's lecture we will start our new subject, that is emerging issues in human resource management. ठीक है, under this we will first study unit 2. ठीक है, so unit 2 के अंदर भी हम लोग first कौन सा topic read करेंगे, that is virtual organization. So what is virtual organization? Just an introduction part. Do you have any idea about virtual organization? Tell me, किसी के पास कोई idea है that what is virtual organization? Pranjali, Anshuta, बोलो. No ma'am. आइडिया नहीं है. अरे तो भाई अभी आपके COVID-19 के टाइम पे क्या चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम, यस और नो? तो वर्क फ्रॉम क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है वो डिफरेंट लोकेशन या वी कैन से ज्योग्राफिकली अपार्ट लोकेशन में प्रेजेंट है, एंड वहां से वो विद द यूज ऑफ ICT दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, है ना? सो दैट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर दैट. ओके, सो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लेट मी टेक अ पेन. सो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली अ फ्लेक्सिबल नेटवर्क. ठीक है, फ्लेक्सिबल नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट एंटिटीज. फ्लेक्सिबल नेटवर्क वाई, बिकॉज यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है दैट कि दिस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो यही काम परफॉर्म करेंगे. उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपार्ट मतलब डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज अ फ्लेक्सिबल नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट एंटिटीज लिंक्ड बाय ICT. ठीक है, या फिर वी कैन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से. क्या करते हैं वो लोग, लिंक होने के बाद अपने स्किल्स नॉलेज एंड जो भी उनके पास एक्सपर्टीज होता है उनको शेयर करते हैं इन अ नॉन ट्रेडिशनल वे. ट्रेडिशनल वे कैसा होता है शेयर करने का, कि हम क्या करते हैं एक मीटिंग करते हैं या फिर हम जो भी पर्सन हैं उन सबको एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज बनाते हैं, एंड देन हम लोग को जो भी टास्क परफॉर्म कराना है वो कराते हैं. बट इन अ नॉन ट्रेडिशनल वे मीन्स उन लोगों को हम कहीं एक लोकेशन में कॉल नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उनको जो जहाँ पे है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जो है हम उनको वहीं से कोऑर्डिनेट करके उनसे जो भी हमको एक्टिविटीज करानी है, जो भी टास्क करानी है, जो भी जॉब कंप्लीट कराना है वो हम वहाँ से करा लेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन. ठीक है, कोऑपरेशन किन किन फॉर्म में होता है, कि डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर करते हैं से ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, यहाँ पे हर कोई एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, आइदर इट मे बी अ कंपनीज, आइदर इट मे बी अ इंस्टीट्यूशन, और आइदर इट मे बी अ सिंगल इंडिविजुअल. ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में हम उनको भी यहाँ कॉल कर सकते हैं फॉर द कोऑपरेशन. ठीक है, सो तो यहाँ जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन अ कोलैबोरेशन एंड प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन. वो भले ही आपके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से वर्क करते हैं बट वो ओवरऑल रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं. ओके, नाउ द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड टू हैव ऑल टाइप्स ऑफ पीपल. मतलब बेसिकली कहना चाहता है कि सारे पीपल्स को हम लोग एक साथ बुला के सर्विस डिलीवरी का काम नहीं करते हैं या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का काम नहीं करते हैं. यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं बट यू कांट सी दैट एज अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बिकॉज इट इज अ नेटवर्क फॉर्म में रहता है तो यहाँ को उसका कोई एक स्टैब्लिश्ड ऑफिस नहीं मिलेगा. ऑफिस होगा बट इट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल ऑफिस जहाँ पे एक या दो जो पर्सन है या हेड है वो बस बैठेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द जो भी इंप्लॉइज रहेंगे वो अपने अपने लोकेशन से, ठीक है, आइदर फ्रॉम द होम और आइदर फ्रॉम द अनदर ऑफिस लोकेशन वहां से वर्क करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है बट यू कांट सी दैट इन अ रियल रियल वर्ल्ड. ठीक है, यू कांट सी दैट इन अ रियल वर्ल्ड. इट इज अ फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफिस. ठीक है, नेक्स्ट वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बिजनेस करते हैं विदाउट वॉल्स. ठीक है, हमारा क्या होता है जनरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है वॉल्स होता है, जैसे दिस वन इज ऑफ लाइक वी कैन से ऑफिस ऑफ IBM. ठीक है, दिस वन इज द ऑफिस ऑफ Jio, दिस वन इज द ऑफिस ऑफ योर क्या कह सकते हैं TCS. ठीक है, ऐसे सबके पास क्या है अपना एक बिल्डिंग ब्लॉक है. ठीक है, एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे वॉल्स हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक कंपनी का प्रिमाइस है, यहाँ से यहाँ तक एक कंपनी का प्रिमाइस है. बट यहाँ पे क्या है, हम क्या कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं विदाउट वॉल्स, यहाँ वॉल्स नहीं है. अब आता ऑनलाइन वर्क करोगे तो वहाँ कोई वॉल्स होता है क्या, वहाँ कोई फिजिकल बैरियर होता है? नो. सो दैट इज वाई वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ बिजनेस विदाउट वॉल्स. ठीक है, एंड ऑल्सो इट कैन बी सीज दैट इट इज अ टेम्पररी नेटवर्क. ठीक है, ये कोई परमानेंट नहीं है. टेम्पररी, वाई इट इज टेम्पररी, बिकॉज यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं लाइक एम्प्लॉयज हैं, आइदर इट मे बी अ सप्लायर, इट मे बी अ कंपनी, अनदर कंपनी, और आइदर इट मे बी कस्टमर, वो आते हैं,
अपना काम करते हैं, जैसे उनको अपना कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे वो अपना स्किल शेयर करते हैं, कॉस्ट को मेजर करते हैं, एक्सेस करते हैं अनदर के मार्केट को, ये सब काम करते हैं. एंड देन जब उनको उनका काम फिनिश हो जाता है, ठीक है, फिनिश हो जाता है, तो वो लोग अपने अपने लोकेशन में चले जाते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर एक बंदा आया था आपका आईबीएम से काम करने के लिए, एक जियो से आया था, एक टीसीएस से आया था, इन लोगों ने सबने क्या करके मिल करके एक प्रोजेक्ट किया, एक टास्क जो था, ठीक है, वो कंप्लीट किया. ठीक है, एंड उसके बाद क्या किया, सब लोग अपने अपने जो भी लोकेशन था या फिर अपनी अपनी जो कंपनी थी वहां, उन लोग क्या करते हैं, रिटर्न हो जाते हैं. ठीक है, सो इसके बेसिस पे क्या होता है, ये क्या कहता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर करता है एट द लो कॉस्ट. व्हाई इट इज एट द लो कॉस्ट, बिकॉज यहाँ पे एक्सपर्टीज जो है डिफरेंट फील्ड से आ जाते हैं, हमको प्रॉपर एनालिसिस कर देते हैं, हमको प्रॉपर नॉलेज दे देते हैं, हमको बता देते हैं कि हम कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड विच विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट. ओके, एंड द मेंबर्स जो होते हैं यहाँ पे ज्योग्राफिकली अपार्ट होते हैं. मीन्स सपोज आप अपने होम से वर्क कर सकते हैं, कुछ लोग सपोज समवन इज फ्रॉम द दिल्ली, समवन इज फ्रॉम द गुड़गांव, समवन इज फ्रॉम योर हैदराबाद, समवन इज फ्रॉम द बेंगलोर, तो सब अलग अलग लोकेशंस पे रहेंगे एंड वहाँ से उन लोग नेटवर्क कंप्यूटर के थ्रू वर्क कर सकते हैं. सो दैट इज द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो नाउ फाइनली हाउ यू कैन डिफाइन द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सेम यू कैन राइट फ्रॉम द अबव, जितना भी हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट, द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर्म. ठीक है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट फॉर्म्स होते हैं, उनका नेटवर्क होता है, वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, टेम्पररी बेसिस में, नॉट परमानेंट. ठीक है, टेम्पररी बेसिस में ज्वाइन करते हैं, सो दैट वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को एंड उसको कस्टमर्स तक प्रॉपर प्रॉपर वे में डिलीवर कर सके. सो दैट इज द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे अदर नेम से भी एसोसिएटेड है, लाइक हम इसको वर्चुअल ऑफिस भी बोल सकते हैं, वर्चुअल टीम भी बोल सकते हैं, वर्चुअल लीडरशिप भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ अल्टीमेट गोल क्या होता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की, हम क्या करें, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें. देखो यहाँ लिखा है, दैट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दिस विल प्रोवाइड द इनोवेशन इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ठीक है, एंड ऑल्सो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियसली टू द रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर डिमांड. जैसे आप टेली सेंटर में कॉल करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर केयर. ठीक है, हम लोग जब क्या करते हैं, कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, हम वहाँ क्या करते हैं, अपना इशू जो है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, हम वहाँ बताते हैं एंड उन लोग ट्राई करते हैं कि उस जो भी इशू है या प्रॉब्लम है उसको इमिडिएटली सॉल्व कर दें, या फिर वो कुछ टाइम देते हैं कि विद इन टू डेज 5 डेज और 1 वीक में सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो यही है कि आप जो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, वो क्या होना चाहिए, इंस्टेंटेनियसली डिलीवर होना चाहिए एंड इट इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर डिमांड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. जो हमने अभी तक पढ़ा उसी का ही समराइजेशन फॉर्मेट है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का. समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रांजलि? यस मैम. ठीक है, मैम. सो देखो अभी तक हमने जो पढ़ा बस उसका समराइजेशन फॉर्मेट में लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन, इट इज नो बाउंड्री. मैंने पहले ही बताया था कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिजनेस विदाउट वॉल्स. वहाँ पे कोई भी वॉल नहीं होता है. सो इन दिस वे वी कैन से दैट देयर इज अ नो बाउंड्री इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज. हाउ वी कैन से दैट इट इज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, दैट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्सपर्टीज, ठीक है, या एक्सपर्ट जो होते हैं उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हायर कर सकते हैं. इवन इम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स उनको भी हम लोग हायर कर सकते हैं. बट वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल जो प्रेजेंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है. हम वहाँ क्या करते हैं, वर्चुअली उनको कॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, उससे आपका टाइम, कॉस्ट, ये सब चीज़ें सेव होता है. तो बेसिकली पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है. नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल डिस्पर्सन. जैसे मैंने बताया कि इम्प्लॉयज जो डिफरेंट लोकेशन से वर्क कर सकते हैं. सपोज वन इज फ्रॉम द गुजरात वडोदरा से वर्क कर रहा है, कोई दिल्ली से वर्क कर रहा है, कोई हैदराबाद से वर्क कर रहा है, कोई बैंगलोर से वर्क कर रहा है. तो क्या है, दिस आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स टू द वेरियस लोकेशन एंड दे आर वर्किंग टू व्हाट वी कैन से एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नाउ चेंजिंग पार्टिसिपेंट्स, हाउ यू कैन से दैट चेंजिंग पार्टिसिपेंट्स. सपोज एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक हाई लेवल कमेटी की जरूरत है. ठीक है, हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी की जरूरत है. तो आप क्या करोगे, किसी भी हाई लेवल एक्सपर्ट को हायर कर लोगे. ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब तक आपका प्रोजेक्ट है. जब ये प्रोजेक्ट जो होता है आपका फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या करेंगे, वो हाई लेवल जो एक्सपर्ट जो आए थे वहाँ, वो जहाँ से भी आए थे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से, वो वहाँ जो है वो रिटर्न हो जाएंगे. सो दैट इज द चेंजिंग पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. एज यू ऑल नो, हम जो है क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और आइदर वी कैन से लाइक कि हम नेट, जनरल हम लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमने जो है नेट के थ्रू वर्क करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई इट इज अ कॉल्ड अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देखो ये जो होता है हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है.
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो क्या होता है ये जो है एक हायरार्की क्रिएट करता है कि आपका इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी ऑर्डर रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फ्लो होंगे फ्रॉम दिस डायरेक्शन, एंड आपका जो भी रिपोर्ट्स है वो जाता है टू दिस डायरेक्शन. एक एक हायरार्की फॉलो होती है, ठीक है. बट इन केस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ फ्लैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स सिर्फ यहाँ पे एक हायर अथॉरिटी होगी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे अदर फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होंगे, पीपल होंगे, इंप्लॉइज होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे. ओके, सो इट विल सम काइंड ऑफ लाइक अ फ्लैट स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट वन, इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक. फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक मीन्स इट इज फ्लेक्सिबल टू द चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमटेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज अ डायनेमिक बिकॉज जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है, ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो भी चेंज होता रहता है. नेक्स्ट वन, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क, बिकॉज फॉर प्रोजेक्ट के लिए हमको सिर्फ एक टाइप का टीम टीम मेंबर्स नहीं चाहिए, हमको हमको टीम मेंबर्स चाहिए फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है, जैसे आपको एक मार्केटिंग का चाहिए, एक एक सेल्स का चाहिए, एक एचआर से रिलेटेड पर्सन चाहिए, एक फाइनेंस रिलेटेड पर्सन चाहिए, एक अदर पर्सन चाहिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्ट्स को डील कर सके, गवर्नमेंट रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जिसको नॉलेज हो, दैट इज वी कैन से लाइक एक लॉ ऑफिसर टाइप का पर्सन होना चाहिए. सो क्या करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, ठीक है, मेंबर जो होते हैं टीम मेंबर्स वो फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट वन इज कस्टमर ओरिएंटेशन, बिकॉज अल्टीमेटली हम जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो अल्टीमेटली इज फॉर द कस्टमर. ठीक है, सो जो भी हम चीजें करेंगे वो दैट इज रिलेटेड टू योर कस्टमर. ठीक है, सो कस्टमर ओरिएंटेशन इज इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट नीड फॉर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पे हमको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज नीड फॉर प्रोसेस इनोवेशन. सो प्रोसेस इनोवेशन मीन्स प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज समवट काइंड ऑफ अ डिफाइंड प्रोसीजर. ठीक है, जो हम क्या कहते हैं बहुत सालों से, ठीक है, फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, ऑब्सलीट हो जाता है, मतलब आउटडेटेड हो जाता है. सो हमको क्या जरूरत है यहाँ पे, प्रोसेस में इनोवेशन करने की जरूरत है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो सर्विसेज है वो गुड क्वालिटी का हो सके, एंड हम उसको प्रॉपर तरीके से कस्टमर्स को डिलीवर कर सकें. ओके, सो देयर इज अ नीड फॉर प्रोसेस इनोवेशन इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेकेंड वन इज शेयरिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज. सो कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, लाइक हम ऑर्गेनाइजेशन को के जो कोर चीज़ें हैं, कोर बिहेवियर है, लाइक कोर कल्चर है, ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसीज लाइक जो हायर लेवल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव हैं हम क्या कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज, ठीक है, जो थ्रू आउट वर्ल्ड में आपका डिस्पर्स है. ठीक है, जैसे कि हमको जैसे किसी कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कराना है, सपोज लेट अस सपोज एक अमेजन कंपनी है, उसको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कराना है, तो वो क्या करेगा, जो एक्सपर्ट्स है वो हायर करेगा फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर वर्ल्ड. ठीक है, जैसे इंडिया से कोई एक एक्सपर्ट है उनको पिक कर लिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, अमेरिका से एक पर्सन को एक्सपर्ट को पिक कर लिया, यूएस से यूके से एक पर्सन को पिक कर लिया. सो क्या करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज जो डिफरेंट पर्सन के पास है. ठीक है, हमको उनको इंटीग्रेट करते हैं टू अ सिंगल पॉइंट, जहाँ पे वो क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं वर्चुअली, एंड जो भी हमको प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी डिलीवर करना है, बनाना है, या थॉट्स देना है, एनालिसिस करना है, वो वहाँ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मोबाइल वर्कर. एज यू ऑल नो, मोबाइल वर्कर मीन्स द वर्कर्स जो वर्क करते हैं थ्रू द यूज ऑफ मोबाइल. ठीक है, जैसे कि लाइक आपका मोबाइल सर्विसेज जो होता है, जैसे आप मोबाइल से कॉल करते हैं, आपके घर कोई सर्विसेज आ जाती है, कुछ कंसल्टेंट फॉर्म्स होते हैं, कुछ सेल्स पर्सन होते हैं, ठीक है, सर्विस टेक्नीशियंस होते हैं. जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर इज अर्बन क्लैब. डू यू नो वॉट इज अर्बन क्लैब और कहाँ कहाँ वर्क करते हैं? हैव एनी आइडिया अबाउट अर्बन क्लैब? यस मैम. क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है अर्बन क्लैब? मैम अर्बन क्लैब में सारी मैम होम सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं रिलेटेड टू आपकी ब्यूटिशियन. आवाज नहीं आ रही है. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? बताओ क्या हेलो. भाई, अर्बन क्लैब क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? देखो अभी एट प्रेजेंट में है वो पार्लर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो एड आप टीवी पे देख रहे होंगे, इसके साथ ही साथ है आपका जो है फिटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, एसी रिपेयरिंग से रिलेटेड है, ठीक है, हाउस होल्ड में जो भी अदर छोटे छोटे वर्क्स होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, रिपेयरिंग है आपका, मेंटेनेंस है, ये सब रिलेटेड से रिलेटेड वर्क जो है अर्बन क्लैब प्रोवाइड कर रहा है. और किस पे प्रोवाइड करता है? जस्ट अ कॉल, ठीक है, या फिर आप ऐप में आप जो है जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप वहाँ पे से जाके क्लिक करेंगे, और आपको जो है मोबाइल के थ्रू जो है सर्विसेज देने के लिए कोई ना कोई पर्सन आपके घर आ जाएगा.
ओके. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट रिडक्शन. सो अल्टीमेटली किसी भी जो कंपनी होती है, एनी कंपनी का जो मेन एम होता है कि जो भी ओवरहेड कॉस्ट है या फिर अदर कॉस्ट है जो एक कंपनी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के इन एडिशन लगता है, सो वो सारे कॉस्ट को रिड्यूस करना. ठीक है, सो दैट इज द कॉस्ट रिडक्शन. नेक्स्ट वन चेंजेस इन एम्प्लॉय वैल्यू एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क. ठीक है, कि जनरली क्या होता है, हम लोग एम्प्लॉय को जो है क्या कहते हैं, 6 days वर्क काम कराते हैं एंड ओनली 1 day का लीव देते हैं. ठीक है, 1 day की लीव देते हैं. सो बट इन केस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं. ठीक है, सो वर्क फ्रॉम होम में दे हैव अ लॉट टाइम ना, लाइक उनको ट्रेवल नहीं करना, उनका कम्यूटेशन का टाइम बच गया, तो वो टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं. ठीक है, उनके लिए क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ ट्रेवलिंग. बेसिकली क्या होता है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव होता है. बिकॉज देखो अभी ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस जो होते हैं वो कितने हाइक हो रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं. एंड ऑल्सो ट्रेवलिंग के लिए यू हैव टू कीप अ टाइम ना, लाइक अगर आपको अगर 9 PM में कहीं पहुंचना है तो एटलीस्ट यू हैव टू लाइक स्टार्ट फ्रॉम 8. ठीक है, 8 बजे आपको निकलना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके 9 बजे पहुंच जाएंगे. अगर मेगा सिटीज हुई लाइक मुंबई दिल्ली, तो वहां तो ट्रैफिक इतने हैं कि आपको 1 घंटे से भी ज्यादा की मार्जिन लेके चलनी पड़ेगी कहीं भी पहुंचने के लिए. सो बेसिकली वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपका कॉस्ट सेव होता है एंड ऑल्सो आपका जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द ट्रेवलिंग वो जो है वो रिड्यूस हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अप्रोचेस इन इम्प्लीमेंटिंग द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, और ऑल्सो यू कैन राइट दिस टॉपिक एज अ टाइप्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये टाइप्स में भी लिख सकते हो. ओके, सो फर्स्ट वन इज टेलीकम्यूटिंग. सो टेलीकम्यूटिंग क्या होता है, जहाँ पे इम्प्लॉयज जो होते हैं वर्क करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन. ठीक है, जो उनका यूजुअल वर्क प्लेस होता है वहाँ से नहीं काम करते हैं, वो डिफरेंट लोकेशन से काम कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली एट होम. जरूरी नहीं है वो घर से ही करें, उनका एक छोटा अदर ऑफिस भी हो सकता है. ठीक है, जैसे एक बड़ी कंपनी है उसका मेन ऑफिस कहीं और कहीं लाइक मेन सिटी में, बट टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कस्टमर वो क्या करेंगे, एक छोटा ऑफिस खोल लेंगे टू नियर बाय सिटी. ठीक है, जो आउटस्कर्ट ऑफ सिटी होता है वहाँ कोई ऑफिसेस खोल लेंगे. सो दैट इज द टेलीकम्यूटिंग. सो टेलीकम्यूटिंग में वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कांटेक्ट विद जो होम ऑफिस होता है वहां से कांटेक्ट मेंटेन करते हैं. सो द कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स के थ्रू, थ्रू नेट के थ्रू या मोबाइल फोन के थ्रू, इस तरह से वो कांटेक्ट करते हैं एंड जो भी सर्विसेज है वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज अ टेलीकम्यूटिंग. ठीक है, नाउ सेकंड वन इज अ टेली सेंटर्स. सो टेली सेंटर्स जो होता है वो जनरली लोकेटेड होते हैं टू द आउटसाइड ऑफ द मेजर सिटीज. ठीक है, जैसे क्या होता है, मेन सिटीज में हमारा एक छोटा सा ऑफिस होता है. ठीक है, उस ऑफिस में हम सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ सिर्फ एक हेड होता है जो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है एंड उसके जो अदर ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, एक ही सिटी में बहुत सारे अदर ऑफिसेज होंगे जहाँ पे वो क्या करेंगे, सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, वहाँ पे वो इक्विपमेंट भी लगा लेंगे रिलेटेड टू द जो भी उनका वर्क है उससे रिलेटेड. बट हेड ऑफिस में जो होता है सिर्फ ओनली फॉर अ कम्युनिकेशन या फिर जनरली फॉर अ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारा मोबाइल नेटवर्किंग. सो मोबाइल वर्किंग एज यू ऑल नो, जो भी हमारे सेल्स पर्सन टाइप के पर्सन होते हैं जो जनरली सेल फोन के थ्रू वर्क करते हैं. ठीक है, इट इज रिफर्स टू द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ मोबाइल वर्कर्स हु रिक्वायर द टूल्स सच एज लाइक आपका सेल फोन चाहिए उनको, कुछ ई मेल वायर वायर्ड कनेक्शन डिवाइसेज चाहिए, कुछ पेजर्स चाहिए, कुछ लैपटॉप चाहिए, फिर ये जो होते हैं वो जनरली कहलाते हैं मोबाइल वर्कर्स या मोबाइल वर्किंग. तो जनरली हम लोग इसमें एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं. ठीक है, सेल्स सेल्स के रिलेटेड पर्सन होते हैं. दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल वर्किंग. नाउ नेक्स्ट वन इज हॉट डेस्किंग. सो हॉट डेस्किंग में क्या होता है कि जो इम्प्लॉयज होते हैं या जो पर्सन होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं स्पेंड करते, वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं इन द प्रिमाइस ऑफ कस्टमर. ठीक है, सो वो जनरली क्या करते हैं कि परमानेंटली उनको कोई एक डेस्क असाइन नहीं होता. यहाँ लिखा है लाइक इट इन्वॉल्व्स अ रिमूवल ऑफ परमानेंटली असाइन डेस्क टू ऑल. यहाँ पे इम्प्लॉयज को कोई परमानेंट डेस्क असाइन नहीं होता है, बट उनको एक हॉट डेस्क असाइन होता है. हॉट डेस्क में क्या करते हैं, जब वो कस्टमर से डील करके आते हैं, कस्टमर से एनी काइंड ऑफ जो भी उनको उनको डील करना है, उनको सपोज अपना इंश्योरेंस बेचना है, अपनी पॉलिसी बेचनी है, ठीक है, या फिर कोई मार्केटिंग का वर्क करना है, सो वहां से करके आएंगे एंड उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना जो जो भी उनको हॉट डेस्क मिला हुआ है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी डेस्क. वहां पे वो आते हैं अपने वर्क स्टेशन में एंड वो क्या करते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको क्या करते हैं, वहां एक्सेस कर सकते हैं, फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी उन्होंने काम किया हुआ है उसको कंप्यूटर में एंट्री कर सकते हैं, अपना ईमेल्स चेक कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ हॉट डेस्किंग.
ये भी एग्जांपल में आप मार्केटिंग से रिलेटेड जो पर्सन है उनको ले सकते हो, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हैं, ठीक है, आपका लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका लोन की सर्विसेज देते हैं, लोन लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो घर आके आपके लिए लोन का जो जो भी काम है वो सब करके जाते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड पर्सन, सेल्स से रिलेटेड पर्सन, दिस आर द ये कम्स अंडर द हॉट डेस्किंग। नाउ नेक्स्ट वन इज अ वर्चुअल टीम। सो वर्चुअल टीम इज बेसिकली योर टीम ऑफ एम्प्लॉयज, जहाँ पे क्या करते हैं वो लोग वर्चुअली मीट करते हैं थ्रू द यूज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ योर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? यस मैम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो एज इट इज जो है आप चाहे तो एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, सो देर आर लाइक थ्री कॉलम्स। फर्स्ट वन इज अ फैक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन, की कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। सेकेंड कॉलम इज योर ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड कॉलम इज द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो फर्स्ट योर क्लासिफिकेशन बेसिस इज एब्सेंस ऑफ पैरावर्बल और नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है, पैरावर्बल और नॉन वर्बल क्यूज मतलब होता है लाइक योर बॉडी पोस्चर। ठीक है, आपका जो आई का मूवमेंट है, आपकी जो वॉइस है, वॉइस में आपका जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये इसको बोलते हैं हम लोग पैरावर्बल या फिर नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है, नॉन वर्बल बिकॉज ये हम बोल के नहीं एक्सप्रेस करते हैं, सो दिस आर अवर बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू एक्सप्रेस होता है। ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ पैरावर्बल नॉन वर्बल क्यूज क्यों? बिकॉज देखो ट्रेडिशनल में नहीं होता है, बिकॉज यहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, तो हम जो है जो सामने वाला बंदा जो हमसे बातें कर रहे हैं, हम उसके क्या कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन को रीड कर सकते हैं, उनका आई का मूवमेंट, उनके वॉइस को हम लोग समझ सकते हैं कि उनका वॉइस कब हाई हो रहा है कब लो हो रहा है। ठीक है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। बट इन केस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होता है, टोटली आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का पैरा वर्बल क्यूज या नॉन वर्बल क्यूज इन्वॉल्व नहीं होता है। अब आप मैं और आप जैसे कि कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ दिस लाइक गूगल मीट, तो आपको पता है क्या कि मैं अभी कैसे कैसा मेरा बॉडी लैंग्वेज है, मैं क्या क्या एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, ये आपको पता नहीं चलेगा। यू कैन जस्ट ओनली हियर माई वॉइस। ठीक है, आप सिर्फ मेरी बातें सुन सकते हो और उसके थ्रू ही आप जो भी परसेप्शन बना सकते हो कि मैम क्या बोलना चाह रही है क्या नहीं बोलना चाह रही है। ठीक है, सो दैट इज योर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन इज द लिमिटेड सोशल कॉन्टेक्ट। तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम लोग म्यूचुअली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, बातें करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है सोशल कॉन्टेक्ट होता है और ईजिली हो जाता है, ईजी एक्सेसिबिलिटी टू सोशल कॉन्टेक्ट। बट इन केस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जो होता है वो जनरली थ्रू इंटरनेट के मीडियम से होता है, तो यहाँ पे होता है वेरी लिमिटेड सोशल कॉन्टेक्ट। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड सोशल कॉन्टेक्ट होता है। अब आप क्या बताओ, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने जो पीयर्स हैं या फिर हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ जो है फेस टू फेस बातें नहीं कर सकते, तो सोशल कांटेक्ट भी जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू ओवरकम द टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सो ये फर्स्ट और सेकंड स्लाइड मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टाइम है और स्पेस कंस्ट्रेंट है, इस वजह से क्या होता है यहाँ पे हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी का। बट इन केस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हाईली टेक्नोलॉजिकल होता है, बिकॉज यहाँ पे हम जो है सारे काम जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, तो हाईली टेक्निकल है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी के बेसिस पे देखा जाए तो आपका जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वर्क करता है मैनुअली एंड लेस टेक्निकल। सो बिकॉज अल्टीमेटली ऑफिस में आपके इंप्लॉयज आएंगे तो आप उनको मैनुअली कोई ना कोई काम करने के लिए देंगे। बट इन केस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हम लोग टोटली वर्क करते हैं विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड हाईली टेक्नोलॉजिकल हो जाते हैं जो भी इंप्लॉयज हैं इन नेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज नो स्कोप फॉर टेक्निकली अनस्किल्ड वर्कर्स। सो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट वी कैन डू, वी जनरली लाइक इम्प्लॉय अनस्किल्ड एंड एज वेल एज द स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे तो कुछ स्किल्ड इम्प्लॉयज होंगे जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करेंगे, कुछ अनस्किल्ड इम्प्लॉयज भी होंगे जैसे कि आपके प्यून भैया लोग होते हैं एंड अदर जो पर्सन होते हैं जो हाईली टेक्निकल नहीं होते हैं बट समवॉट रहते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो अदर वर्क होते हैं, ठीक है, उनको उनको क्या करते हैं हेल्प करते हैं करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए।
ठीक है. सो यहाँ पे आपके अनस्किल्ड एंड स्किल्ड बोथ काइंड ऑफ पीपल्स आर एम्प्लॉयड. बट इन केस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होता है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हाईली कंप्यूटराइज्ड होता है एंड टेक्निकल होता है. सो यहाँ पे क्या होता है, आप स्किल्ड लेबर को ही हायर करते हैं, यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर को हायर नहीं करते हैं. बिकॉज यहाँ पे कोई ऑफिस की नीड नहीं है, तो ऑफिस ऑफिस रिक्वायरमेंट की नीड नहीं है. आपको ऑफिस मेंटेनेंस के लिए कोई पीपल नहीं चाहिए, ठीक है. आपको साफ सफाई करने के लिए कोई पर्सन नहीं चाहिए, आपको चाय कॉफी सर्व करने के लिए कोई पर्सन नहीं चाहिए. सो दैट इज वाई यहाँ पे सिर्फ स्किल्ड पर्सन जो होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वही इंप्लॉय होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एन इफेक्टिव फॉर बिगर ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं. सो फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जनरली जो होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है विद द लिमिटेड एरिया. ठीक है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग स्मॉल एरिया होता है, उनका जो वर्क जो होता है जनरली मैनुअल नेचर का होता है, एंड वो जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं थ्रू द मैन पावर. ठीक है, जो जितना ज्यादा मैन पावर होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क हो पाएगा, और अगर मैन पावर कम है तो कम वर्क होगा. ठीक है, एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी और कैपिटल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो भी बहुत कम होता है, एंड इन्वेस्टमेंट हम करना भी नहीं चाहते बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी मैन पावर बहुत अवेलेबल है. तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा काम है वो हम थ्रू जो है हमारा मैनुअली हो जाए, मैन पावर के थ्रू हो जाए. ठीक है, सो ये जो होता है जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज होता है. बट जो हमारा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हाईली टेक्निकल होता है. ठीक है, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको बहुत सारे वाईफाई लगाने होंगे, हाई स्पीड के वाईफाई चाहिए, बहुत सारे लैपटॉप चाहिए, हाई स्पीड के कंप्यूटर्स, उनका स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, उनका रैम अच्छा होना चाहिए, उनकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए. सो यहाँ पे क्या होता है, हाईली टेक्निकल होते हैं एंड हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करता है, एंड ऑल्सो देयर इज अ स्किल्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड. सो दिस आर जनरली यूटिलाइज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आपका TCS है, जियो है, IBM है, अमेजोन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, इस टाइप की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करते हैं आपके वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो क्या एडवांटेज होगा, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टूडेबल टॉपिक्स है. सेकंड वन इज सेव्स द टाइम एंड कॉस्ट. नेक्स्ट इज एलिमिनेट्स द लैक ऑफ एक्सपर्ट एक्सेस ऑफ एलिमिनेट्स द लैक ऑफ एक्सेस टू एक्सपर्ट. बिकॉज देखो हमारा ट्रेडिशनल में क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, वो किसी दूसरे लोकेशन में वो वहाँ से ट्रेवल करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, देन आपको एक्सपर्ट एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेगा. बट इन केस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्सपर्ट है उनको क्या करते हैं, ट्रेवल करके आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से ही आपको क्या करेंगे, जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, जो भी एक्सपर्ट उनको नॉलेज है, जो उनको उनको देना है वो दे सकते हैं. ओके, नाउ दिस विल इंक्रीज द कम्युनिकेशन एंड लर्निंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस विल एनकरेज एंड एनकरेजेस द एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्स फील्ड के पर्सन जो हैं या एक्सपर्ट जो हैं वो आके आपको सजेशन दे सकते हैं, आपके वर्क को इन अ प्रॉपर वे अलाइन कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे क्या होता है, डायनेमिक टीम मेंबर्स होते हैं. एज मैंने पहले बताया कि एक प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन चाहिए. जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें डिफरेंट फील्ड्स के चाहिए, डिफरेंट डिसिप्लिन के चाहिए, एंड ऑल्सो डायनेमिक. बिकॉज वो क्या होना चाहिए, टाइम एंड प्लेस के हिसाब से जैसा भी आपका कंडीशन आता है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस. सो डिसएडवांटेजेस है कि कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वाईफाई इंस्टॉल कराना है, हाई स्पीड कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, उनके अंदर का जो कन्फिगरेशन है वो बहुत हाई चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट बहुत लगता है जस्ट टू स्टेब्लिश दिस थिंग्स. नेक्स्ट इज लैक ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन, बिकॉज आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं विथ योर पीयर्स, ठीक है, अपने सुपीरियर्स या अपने सबऑर्डिनेट से, तो यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन जो होता है बहुत कम होता है. कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिकॉज सपोज आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, एक पर्सन कुछ और बोलता है, एक एंड अनदर पर्सन कुछ और बोलता है, सो यू डोंट नो ना कि कब कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो जाए. नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन, बिकॉज अल्टीमेटली सो दिस आर द साइकोलॉजिकल थिंग ना, जो जिस जिस पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, फेस टू फेस नहीं जानते, जिसके बारे में हम अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं बना सकते, तो अल्टीमेटली हमारा जो ट्रस्ट है उसके ऊपर वो कम होता है. ठीक है, हम उसके साथ कम कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बिकॉज अल्टीमेटली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई फिक्स प्लेस नहीं है जहाँ आपको 9 to 5 वर्क करना है. एवरी पर्सन इज वर्किंग फ्रॉम द होम और आर आइदर फ्रॉम द रिमोट लोकेशन. सो हम क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे. नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम विद द एक्सटर्नल पार्टनर्स कैन ऑकर, बिकॉज एक्सटर्नल पार्टनर्स का अपना अपना टाइम कंस्ट्रेंट है, उनका टाइम है, उनको कुछ अदर टास्क में भी जाना है, कुछ अदर प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, तो उनका उनका अपना अपना जो होता है प्रॉब्लम होता है, दैट एक्सटर्नल पार्टनर्स अपना टाइम और एफर्ट, अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ डिवोट करते हैं, कब डिवोट करना चाहते हैं ये नहीं, सो दैट इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम.
Next is your modes of communication in virtual organization. Like you can contact with the video conferencing, audio conferencing, through the emails, through the voicemails, through the remote desktop sharing. शेयर कर सकते हैं अपना डेटाबेस विद विद जो भी एक्सपर्ट जो अपने हायर किए हैं. फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट वर्चुअल वाला फेस टू फेस ना, नॉट लाइक फेस टू फेस मीन्स लाइक फिजिकली नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन इज द फैक्स. सो दिस आर द वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इन दिस वे आपका जो ये टॉपिक है ये फिनिश होता है, दैट इज ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन.